ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है प्यार में धोखा है प्यार में जुदाई है त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टा दो गुना में आधार गुना में ऊंचाई है इसी जबरदस्त शायरी के साथ बात करेंगे त्रिभुज यानी कि ट्राइ एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट आती है थियोरम जो है बुक में सिक्स जिसको कहा जाता है बीपीटी है इसको इंट्रोड्यूस किया था थेल्स ने इसकी रचना की थी थेल्स ने तो इसीलिए बीपीटी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है इसकी स्टेटमेंट पर आ जाते हैं इसमें दिया गया है इफ अ लाइन ड्रोन पैरल टू वन साइड ऑफ ट्राइएंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंग पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशो मान लो कोई हमारा एक ट्राइंगल है ट्राइएंगल की किसी एक साइड के पैरल हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो लाइन जो हमने पैरल ड्रॉ की है वो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है ये स्टेटमेंट हमें बोलती है इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई जो भी इसका प्रूव है ना उसके लिए गीवन में हमें क्या दिया होगा सबसे पहले तो भाई एक ट्राइ हमें गीवन होगा ए बी सी ट्राइ ले लेते हैं हम अपना ठीक है यहां पर जो हमने ट्राई एंगल ड्रॉ किया है abc ट्रायंगल हो गया इसके बाद जो भी हमारी लाइन है यहां पर हमें पैरेलल लाइन दी होगी ना तो bc और de ये पैरेलल लाइंस हो जाती हैं यहां पर लिख लेता हूं bc पैरेलल है यहां पर de के इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि भाई जो भी bc के पैरेलल हमने de लाइन ड्रॉ की है ये de लाइन a b को और ac को सेम रेशियो में डिवाइड करती है यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा भाई सेम रेशियो कब होगा ए डी अपोन में डी बी और अपॉन में ई सी ये मुझे प्रूव करना है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो भी प्रूव करना है मुझे ए डी में डी बी मुझे प्रूव करना है इक्वल होगा ये अपॉन में ई सी के ये मुझे प्रूव करना है अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा ट्राइंगल है इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले देखो जो भी हमारा बी और ई e पॉइंट है इनको एक सीधी लाइन में हमें ज्वाइन कर देना है और डी और सी जो हमारे पॉइंट है इनको भी एक सीधी लाइन में हमें ज्वाइन कर देना है तो कंस्ट्रक्शन में यहां पर हमें लिखना है जो इन बी ई एंड डी जो भी हमारी लाइन्स हैं दोनों की दोनों बी और डी इनको एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है और इसके साथ ही इसके साथ ही हमें ड्रॉ करना है यहां पर मैं लिख लेता हूं ड्रॉ क्या करना है इस चीज को समझो जो भी हमारी यहां पर ई एन है ए डी पर परपेंडिकुलर है ये हमें ड्रॉ करना है और डी एम है ये ए ई पर परपेंडिकुलर है ये दो परपेंडिकुलर्स हमें ड्रॉ करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये परपेंडिकुलरस तो मैं क्या करूंगा भाई एन e, मैंने ड्रॉ किया है कहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने ए डी पर उसके बाद मैंने क्या किया है डी एम है वो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है यहां पर ए e लाइन पर बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब आ जाते हैं हम प्रूफ पर भाई प्रूफ के लिए क्या किया जाए देखो हमें ऐसे ट्राइ लेने होंगे जिसमें सबसे पहले हमें ए डी मिल जाए तो यहां पर मैं ट्राइ कौन सा ले लेता हूं देखो आप देख सकते हो ए डी ई जो एंगल है मेरा इस वाले ट्राइ को अगर लेता हूं तो इसमें साइड मेरी ए डी आ जाती है तो मैं ले लेता हूं यहां पर ट्राइ मतलब इसका एरिया मुझे निकालना है तो यहां पर लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइ ए डी ई जो भी ये ट्राइंगल है भाई इसका एरिया क्या होगा शायरी में ही मैंने आपको बताया था एक बट्टा दो गुना में आधार गुना में ऊंचाई भाई आधार यानी कि बेस ऊंचाई यानी कि हाइट परपेंडिकुलर ठीक है तो यहां पर बेस क्या होगा अगर मैं ए डी को बेस ले लेता हूं तो मेरे पास ई e, एन परपेंडिकुलर बन जाता है तो जो भी हमारा ट्राइंगल ए डी ई है इसका एरिया क्या हो जाएगा वन बाई इन टू में हो जाएगा मेरा यहां पर बेस रख देता हूं मैं ए डी और इन टू में ए डी पर परपेंडिकुलर क्या है आप देख सकते हो एन से ई e तक ये हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन है येलो कलर वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी तो मैं इसको लिख देता हूं ई e, एन इसके नीचे ही बिल्कुल इसके नीचे ही मैं क्या करूंगा अब कोई ऐसा ट्राइंगल लूंगा जिसमें मुझे डी बी मिल जाता है भाई देखो ये रहा मेरा डी बी अब इस ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आता है डी बी हम यहां पर देख सकते हैं देखो बी डी और ई e पॉइंट से जो हमारा यहां पर ट्राइंगल बनता है इसका एरिया मुझे निकालना पड़ेगा तो मैं यहां पर लिख लेता हूं गाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो भी मेरा बी डी ई ट्राइ है इसका एरिया भी क्या होगा वन बाई टू हो जाएगा अब बेस की बात कर लेते हैं देखो भाई जो भी ये ट्राइंगल है इसका बेस कौन सा हो जाएगा जो हमारी साइड यहां पर डी बी है इसको मैं बे से ले लेता हूं तो मल्टीप्लाई में यहां पर हो जाएगा मेरा डी बी उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अब परपेंडिकुलर बहुत ध्यान से समझना है आपको ट्राइएंगल कौन सा है मेरा D, B, e, या फिर B, D, e. इसका परपेंडिकुलर क्या होगा जो भी पॉइंट e है ई e वर्टिसेस है इससे हमारी येलो लाइन आती है एन तक 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है वही परपेंडिकुलर होता है तो जो भी हमारा यहां पर यह ट्राइएंगल है इसका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा ई e, एन हो जाएगा ई e से एन तक हमारा जो लाइन है यही हमारी परपेंडिकुलर रहेगी तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा मेरा ई e, एन इस तरह से हम एक लाइन लगा लेंगे अब ऊपर और नीचे जो भी सेम वैल्यूज हैं उनको कट हम कर सकते हैं तो यहां पर देखो वन बाई टू से वन बाय टू को कट कर देते हैं इसके बाद ऊपर की तरफ भी ई e, एन आता है नीचे की तरफ भी ई e, एन आता है ई e, एन से ई e, एन को कट कर देते हैं बचेगा क्या उस पर बात कर लेते हैं भाई ऊपर हमारा ए डी बचता है नीचे हमारा डी बी बचता है तो लिख लेते हैं ए डी अपॉन में डी बी ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंक्लूजन इसके बाद जो हमारा सेकंड रेशियो है ना ए e और ई e, सी इनके बारे में भी हमें बिल्कुल यही एरिया दो तरह से हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले बात करते हैं ए ई e की देखो ट्राइ कौन सा लेंगे ए डी ई ले लेते हैं इसमें हमारी साइड आ जाती है यहां पर ए -E आ जाती है तो यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं यहाँ पर लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंगल ए डी ई ए डी ई का एरिया क्या होगा हमारा अब की बार चेंज कर दूंगा यहां पर ऊपर वाले में भी मैंने ए डी ई का एरिया फाइंड किया था लेकिन बेस अब की बार चेंज कर देते हैं भाई ए डी ई एंगल में मैं बेस इस वाली साइड को ले लेता हूं ए -E को ले लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा मेरा वन बाई टू मल्टीप्लाई में क्या होता है बेस बेस मैंने क्या लिया है ए ई लिया है और ए ई पर हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है ये वाली साइड है हमारी ए ई इस पर आप देख सकते हो डी एम जो हमारी ग्रीन लाइन है वो परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा यहां पर डी एम उसके बाद इसी के नीचे मैं ऐसा ट्राइएंगल लूंगा जिसमें हमारा ई सी वाली साइड आती है अब ई सी आप देख सकते हो ये हमारा है तो मैं ट्राइ एंगल ले लेता हूं सी ई डी वाला जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला मैं ले लेता हूं इसका एरिया फाइंड करेंगे तो लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइ एंगल सी ई डी अब जो भी ये हमारा ट्राइ है सी ई डी इसका एरिया क्या होगा वन बाई टू तो एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे भाई बेस क्या करना पड़ेगा हमें देखो इस वाले ट्राइएंगल में मैं बेस जो है ना ये वाली साइड ले लेता हूं जो है मेरी ई e से लेके सी पॉइंट तक ठीक है मैंने बेस क्या लिया है ई e से लेके सी तक ये हमारा बेस हो जाएगा ई e, सी हो जाएगा अब ई e, सी बेस पर परपेंडिकुलर कौन सा बनता है आप यहाँ पर देख सकते हो ई e, सी हमारी लाइन है और जो भी मेरा डी यहां पर पॉइंट है इससे ग्रीन कलर की ये परपेंडिकुलर जाती है D, हमेशा ध्यान रखना है, बेस पर जो भी 90 डिग्री का एंगल बनता है एम पॉइंट पर वो हमारा वहां से जो भी लाइन होगी हमारी डी एम वो परपेंडिकुलर होती है तो भाई यहां पर डी एम हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से हमें एक लाइन लगा ली है जो हमने ऊपर किया था सेम वैल्यूज ऊपर और नीचे हैं तो उनको कट कर देना है वन बाई टू से वन बाई टू को कट कर देना है डी एम से डी एम को कट कर देना है बचेगा क्या हमारा यहां पर ए e बच जाता है उसके बाद नीचे हमारा ई e, सी बच जाता है ये हो जाता है हमारा कंक्लूजन नंबर है अब एक बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी जो भी हमारा डी ई e वाली लाइन है और जो भी हमारी बी सी वाली लाइन है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरल हैं तो जो भी एरिया होगा इनके बीच में बनने वाले ट्रायंगल्स का वो सेम होता है यानी मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि जो भी मेरा होगा यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंगल बी डी ई उसके बाद दूसरा ट्रायंगल क्या बनता है यहां पर एरिया ऑफ ट्राइ एंगल डी जो भी ये दो ट्राइएंगल है ना इनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा कौन कौन से ट्राइ हैं भाई बी डी e वाला ट्राइ है ठीक है ये वाले ट्राइ का एरिया और जो दूसरा ट्राइ है वो क्या है सी ई डी इन दोनों ट्राइ का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि क्लास नाइन्थ के ट्राइ वाले चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि भाई अगर दो पैरल लाइंस होती हैं उनके बीच में बनने वाले जो भी हमारे ट्राइएंगल्स होते हैं उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होता है यही रीजन हमें इसके सामने यहां पर लिख देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरल्स आर इक्वल जो भी दो पैरल लाइंस के बीच में ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं बी डी और सीई डी इनका एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा गाइज हमारा कंक्लूजन नंबर थर्ड अब जो भी हमारा फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन है उसको एक बार देख लेते हैं देखो भाई मैंने क्या लिखा है सबसे पहले जो भी बॉक्स के अंदर वैल्यू है मेरी इसको एज इट इज मैं यहां पर लिख लेता हूं मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा ट्राइ बी डी ई जो भी मेरा फर्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू थी ये वाली वैल्यू एज इट इज यहां पर मैंने लिख दी है अब इस ये इक्वल क्या है भाई इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिला था ए डी अपॉन में डी भी मिला था तो इक्वल्स टू में मैं लिख देता हूं ए डी अपॉन में डी बी मैं लिख देता हूं अब फिर से मैं इक्वल्स का साइन यहां पर लगा लेता हूँ इक्वल्स का साइन क्यों लगाया है आपको समझ में आ जाएगा ऊपर वाला जो मेरा है एरिया ट्रायंगल एंगल ए डी ई ये इसके सामने एज इट इज लिख देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंगल ए डी ई उसके नीचे मुझे क्या करना होगा भाई जो हमने यहां पर थर्ड कंक्लूजन लिया है ना यहां से हमें वैल्यू पुट करनी होगी जो बी डी ई है इसका एरिया किसके इक्वल होता है ई डी e, के इक्वल होता है ना तो मैं बी डी ई की जगह पर ई डी पुट कर सकता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एंगल बी डी ई की जगह पर मैं ई डी पुट कर देता हूं क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं। तो यहां पर आ जाएगा मेरा सी ई डी अब इक्वल ये किसके है अगर आप ध्यान से देखोगे इसको और इसको तो ये एक दूसरे के इक्वल ही मिल रहा है भाई ये तो बिल्कुल सेम है तो जो भी हमारा यहां पर कंक्लूजन निकला है इसके इक्वल में क्या कर सकता हूं भाई इसके इक्वल में क्या है ए ई अपोन में ई सी है तो इसके इक्वल में यहां पर मैं लिख सकता हूं अपॉन में ई सी क्या हमें यही प्रूव करना था कि भाई ए डी में डी बी और अपॉन में ई सी एक दूसरे के इक्वल है यहां पर देखो जो भी हमारा ये है इसके इक्वल में ए डी में डी बी आ गया और जो हमारा ये है इसके इक्वल में ए ई में ई सी आ गया तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं डेयर फोर ए डी में आ जाएगा मेरा डी बी ये इक्वल हो जाएगा मेरा ए ई में हो जाएगा मेरा ई e, सी के यही हमें प्रूव करना था भाई ध्यान से देखो यहां पर यही हमें प्रूव करना था हमने यहां पर प्रूव कर दिया है ये थी हमारी बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियोरम क्लास टेंथ की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इसीलिए इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है अब थ्योरम 6.2 भी आती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर वो आपने करनी है तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इजी वे में उसको भी आपको प्रूव करा दिया गया है सो so, इस वीडियो में इतना ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में और ध्यान रहे इस थ्योरम को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी आपने जरूर करना है